आखिरी मौके पर गंभीर ने चली बड़ी चाल, भारतीय टीम में शामिल हुआ ये 6 फीट 4.5 इंच का गेंदबाज। बांग्लादेश के इस खिलाड़ी से निपटने की हो रही पूरी तैयारी। तो भैया गौतम गंभीर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं बांग्लादेश श्रृंखला के लिए। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ गलतियां किया हुआ है वो गलतियां गंभीर कतई दोहराना नहीं चाहते हैं, ना ही वो सोच रहे हैं कि कोई तैयारी में कमी रखी जाए। जिस कारण से बात करें तो भारतीय टीम की बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली श्रृंखला के लिए 4 दिनों की शिविर लग चुकी है, पूरी तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल भी बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। और यहां पर गौतम गंभीर अपने खिलाड़ियों को बांग्लादेश के हर एक खिलाड़ियों के खिलाफ तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इस 4 दिन के शिविर में एक ऐसे गेंदबाज को शामिल किया गया है नेट बॉलर के तौर पे जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। 6 फीट 4.5 इंच का ये पंजाब का गेंदबाज है, पंजाब किंग्स से पिछले आईपीएल के संस्करण में जुड़ा हुआ था। और इस गेंदबाज को इस वजह से शामिल किया गया है क्योंकि बांग्लादेश का एक ऐसा गेंदबाज है जो भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकता है। चेन्नई के चेपॉक को उसकी उछाल के कारण भारतीय बल्लेबाज परेशान हो सकते हैं, जिस वजह से गंभीर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि एकाएक ऐसी गेंदबाजी का सामना करे भारतीय टीम। और पंजाब का गुरनूर ब्रार को यहां पर शिविर कैंप में मौका मिला है नेट बॉलर के तौर पे, और इस खिलाड़ी ने इस वजह से ध्यान आकर्षित किया है, सबका ध्यान खींचा है क्योंकि ये गंभीर की अपने आप में बड़ी रणनीति। बात करें बांग्लादेश के नाहिद राणा की तो उनका भी जो कद काठी है वो लगभग गुरनूर ब्रार के बराबर है। 6 फीट 5 इंच के नाहिद राणा है, उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था, बाउंस बहुत अच्छा फेंका था, वहां पर 5 विकेट निकाले हुए थे उस श्रृंखला में। और वो उनका दूसरा ही टेस्ट मुकाबला था जिसमें 4 विकेट एक पारी में निकालकर पूरी तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजी के लाइनअप को तहस नहस कर दिया था, बांग्लादेश को श्रृंखला जितवाने में मदद किया था, जिस वजह से नाहिद राणा के खिलाफ पूरी तैयारियां भारतीय टीम कर रही है। गुरनूर ब्रार को यहां पर उन्होंने नेट कैंप में शामिल किया हुआ है, नेट बॉलर के तौर पर शामिल किया हुआ है, और गुरनूर ब्रार पूरी तरीके से इस वक्त सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए हैं। नाहिद राणा एक सरप्राइज पैकेज में साबित हो जाए भारतीय टीम के लिए, उनके बाउंस के कारण भारतीय टीम परेशान ना हो जाए, काफी सटीक टप्पे पे वो गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से गुरनूर ब्रार को 4 दिन के शिविर में रखा गया है ताकि नाहिद राणा एकाएक भारतीय टीम के लिए सरप्राइज पैकेज साबित ना हो। गुरनूर ब्रार का डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा नहीं है, लेकिन नाहिद राणा के खिलाफ तैयारियों के लिए, उनके अच्छे गति से गेंदबाजी करने के लिए यहां पर नेट में मौका मिला है। वहीं बात करें अन्य नेट बॉलर्स की तो वहां पर अन्य नेट बॉलर्स में हिमांशु सिंह, अजीत राम ऐसे नेट गेंदबाज हैं जो खूब पसीना बहाते हुए नजर आए, खूब प्रैक्टिस भारतीय बल्लेबाजों को कराते नजर आए। वहीं पे बात करें जो रेगुलर हमारे गेंदबाज हैं, चाहे हम यश दयाल की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें या फिर जसप्रीत बुमराह की बात करें, सब ने पसीना बहाया, जमकर भारतीय बल्लेबाजों की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई। लेकिन नाहिद राणा के प्रति भारतीय गेंदबाजों की भारतीय बल्लेबाजों की सजगता, वार्नी मार्कल भी टिप्स देते नजर आए भारतीय गेंदबाजों को किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करना है, किस लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करना है, और भारतीय बल्लेबाज भी बहुत सुदृढ़ता से, बहुत सशक्तता से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और बात करें गुरनूर ब्रार की तो वो नाहिद राणा की तरह दिखने के कारण, नाहिद राणा के एक्शन के कारण, नाहिद राणा का कद काठी के कारण यहाँ पर नेट कैंप में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना ध्यान अपनी तरफ सबका खींचा हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत वर्सेस बांग्लादेश श्रृंखला का नतीजा क्या होने वाला है, क्या बांग्लादेश भारतीय टीम को सरप्राइज कर पाएगी या फिर गंभीर पूरी तरीके से बांग्लादेश को रौंदने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।